बड़ौदा की रणभूमि पर अब प्रचार का शोर थम चुका है। एक सन्नाटा है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि अब बहुत जल्द ही राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय होगा, जिसकी कमान सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में होगी। बड़ौदा का किंग कौन बनेगा? बड़ौदा की जनता किसे चंडीगढ़ भेजेगी? क्या बीजेपी बड़ौदा के अखाड़े में इतिहास रचेगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी या फिर बड़ौदा की जनता इन एलो का चश्मा पहनेगी? ये सवाल उठने अब लाजमी है। बड़ौदा में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लिहाजा अब जनता का मूड क्या है, सबकी नजरें इस पर ही टिकी हैं। बड़ौदा के अखाड़े को जीतने का दम तो सभी पार्टियों ने भर दिया है, लेकिन बड़ौदा का किंग कौन होगा ये तो बड़ौदा की जनता ही तय करेगी। जाट बाहुल्य सीट में सभी पार्टियों ने खुद को मजबूत साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ तो बीजेपी बड़ौदा का सूखा मिटाने उतरी है, तो वहीं कांग्रेस अपने गढ़ में चौथी बार जीतने का दम भर रही है। उधर सियासी कुनबा बिखरने के बाद इनेलो भी बड़ौदा में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। अब इन तीनों ही पार्टियों में कौन बाजी मारता है, इसकी सीक्रेट 3 नवंबर को बड़ौदा की जनता लॉक कर देगी। 10 नवंबर के दिन जब ये लॉक खुलेगा तो साफ हो जाएगा कि बड़ौदा में किसका राज आता है। बड़ौदा में अब चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। किसी भी तरह की कोई रैली नहीं होगी, ना ही किसी तरह का कोई जलसा। इतना ही नहीं, अब बड़ौदा में लाउड स्पीकर पर भी किसी तरह की वोट अपील नहीं होगी। अब पार्टी प्रत्याशी महज डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई जनसभा नहीं कर पाएंगे। यानी सियासी दलों ने जितना पसीना बहाना था, वोटर्स को जितना रिझाना था, वो सब तो हो गया है। बहरहाल सभी ने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर दी है, तमाम मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन आखिर में देखना यही होगा कि बड़ौदा की जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है।